नमस्कार, मैं शहनवाज अली, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव आईपीटीवी। इस प्रोग्राम का नाम है फिट इंडिया। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है एलो प्लस जूस, जो एक्सिको आयुर्वेदा की प्रोडक्ट्स है। इसके 54 प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। इसका यूज करें और अपने आप को फिट रखें। बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर, या फिर कॉल करें 8010727232 पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको हेल्थ और फिटनेस को लेकर अवेयर कर रहे हैं, और इसको लेकर हम आपको हेल्थ केयर फिटनेस के टिप्स हमारे एक्सपर्ट के द्वारा आपको शेयर कर रहे हैं। और आज हमारे बीच एक्सपर्ट है, योग टीचर है, योग शिक्षक है, जो स्कूल में एक योगा सिखाते हैं, और यंग है। आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जिनका नाम है राहुल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद शानवाद जी, आपका भी स्वागत है। जी सर। सर, मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और किस तरह से योग में आने का इंस्पायर मिला और कहाँ से मिला। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं योग, पहले योगा बैकग्राउंड से नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ और कॉलेज टाइम से योगा करता आ रहा हूँ, और काफ़ी समय से योगा जुड़ा था लाइफ से, बट कभी पता नहीं था कि योगा को एज ए करियर मैं सेलेक्ट करूँगा। तो कोशिश मेरी, मतलब क्या हुआ, एक समय मैं अपने कॉलेज में था, उस समय कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं किया हुआ था मैंने, तो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं, तो मेरा मन में था कि कम से कम स्पोर्ट्स तो ज्वाइन करूं, क्योंकि साइंस स्टूडेंट हूँ, बट वही था कि ऑल टाइम पढ़ाई में लगी रही है, कुछ मत करिए। तो कॉलेज में एक समय सिलेक्शन चल रहे थे, ट्रायल चल रहे थे योगा टीम के लिए, तो मेरी कोशिश यही थी कि ना मैं पार्टिसिपेट करूँ, कम से कम पार्टिसिपेशन तो करूँ उसमें। तो धीरे धीरे मैंने पार्टिसिपेट किया, फिर हमने एज ए योगा एज ए स्पोर्ट्स खेला, कंपटीशन खेला, तो वहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कंपटीशन किया। फिर जैसे जैसे मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म होती कि मेरे एक सर हैं दीपक सैनी सर, जो मेरे पहले योग गुरु रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया, कुछ एडवाइस किया योग के करियर के बारे में। तो उन्हीं से मुझे गाइडेंस मिली, उन्हीं से मुझे प्रेरणा भी मिली कि आगे मैं भविष्य में कुछ करूं और योग में अपना करियर सेलेक्ट करूं। तो सर, बाकी यही है कि धीरे धीरे मैंने अपना कार्य इसमें शुरू किया, अपनी पढ़ाई शुरू करी योग में, और आज की डेट में मैं आपके समक्ष हूँ, एक स्कूल में कार्यरत हूँ मैं। सर, जैसा कि एक यूथ का और एक इंडियन पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने, और आपने योग को चुना, तो किस तरह का स्ट्रगल रहा और आपका फैमिली सपोर्ट किस तरह रहा, कितना रहा? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी पेरेंट्स हैं चाहते हैं डॉक्टर बने बच्चा, इंजीनियर बने, पायलट बने, लिमिटेड लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्थ सेक्टर में जाए या कुछ योग जैसे कार्य करें। मतलब स्टार्टिंग में जब मैं भी साइंस स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ, और उन्होंने मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो जब मैंने ये करियर बताया पेरेंट्स को, तो सच में उनको शौक हुआ, उनको भी ऐसा लगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या करने जा रहा है। बट मैंने अपने पेरेंट्स को भरोसा दिया हुआ था कि एक बार मुझे अपना डिसीजन लेने दीजिए, और सच में मैंने उनको प्रूफ करके दिखाया कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। और सर, जो आपने पूछा कि इसमें आने का क्या मोटिव रहा आपका, मेरा मोटिव यही था कि योग के साथ साथ अपनी हेल्थ को तो मैं बेटर रखूँगा, साथ में अपने एनवायरनमेंट की, अपने आसपास के लोगों की, फैमिली की, फ्रेंड्स की, उनकी हेल्थ को मैं बेटर रख सकूँगा योग से। सर, हम लगातार योग को प्रमोट कर रहे हैं और आयुर्वेदा को भी प्रमोट कर रहे हैं। मैं सर एक सिंपल भाषा में, एक लेमैन की भाषा में जानना चाहूँगा कि योग क्या है। सर, सिंपल भाषा में आप कुछ भी करिए, उसको अगर तरीके से, सही तजुर्बे से करें, तो वही योग है। आप लाइफ में कुछ भी करिए, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप अपना वर्क करें, जॉब करें, अगर आप उसमें तन मन धन से कार्य करें, तो वो योग है, इन्वॉल्व होकर कार्य करें, योग है। जैसे आप अभी एंकरिंग कर रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन को अच्छी तरह निभा रहे हैं, तो ये भी एक योग है। योग सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है, सब कुछ, आप जो भी अपना कार्य कर रहे हैं वो योग है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्मों की कुशलता ही योग है, योग कर्मशु कौशलम। आप कुशलतापूर्वक उस कर्म को करिए, अपनी जॉब को करिए, वो योग है। सर, योग के जीवन और योग के बिना जीवन, इन दोनों में क्या फर्क होता है?
सर देखिए, मैं एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस योग से पहले मैं क्या था, सच बता रहा हूँ कि उस समय जब कॉलेज टाइम पे था, मैं क्या था कि मैं पढ़ाई तो करता था बट उसको तरीके से नहीं करता था, इंजॉय करके नहीं कर सकता। लेकिन योग ने मुझे ये सिखाया कि आप हर चीज़ को अच्छे से करिए, निभाइए उसको, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सच बता रहा हूँ सर, उस दिन वो जो दिन था जब मैं कॉलेज टाइम पे था, और आज की डेट में मैं हर चीज़ को इन्जॉय करता हूँ, चाहे सुख हो दुख हो, उसमें अपने आप को बैलेंस रखता हूँ। यही योग है सर। सर आज देख रहे हैं ज़्यादातर आज हमारे इंडिया में, खासकर मैं देख रहा हूँ एक अध्ययन के मुताबिक 1000 में से 272 लोगों को दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो सर योग, आप योग से सेंटर से जुड़े हैं, योगा शिक्षक हैं, तो योग और आयुर्वेदा किस तरह से हमें इस बीमारियों से बचने में मदद कर सकता है? सर देखिए, सबसे पहले आजकल जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल का खान पान वो तो बहुत बेकार है। अब आप भी आप नॉर्मल खराब नहीं कहेंगे, बहुत खराब कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आर्टिफिशियल हो चुका है जी। जो नेचुरल, जो खेतों से, जो अभी भी आप देखेंगे ना, जो गांव साइड के जो लोग हैं नेचुरल फूड पे डिपेंड है, उनकी लाइफ अभी भी बढ़ रही, अभी भी ज़्यादा चलती है। लेकिन जो शहरों में जो खान पान है, आप कुछ भी ले लीजिए जो जंक फूड वगैरह खा रहे, क्योंकि उनका डिपेंडेंसी उसी पर है, वो चाहते हैं कि शॉर्ट में बन जाए जी, जल्दी में उनको खाना मिल जाए। बट ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो सही है सही है, आपको उसकी जानकारी भी नहीं है। अब सर यदि आप अपने आप को डेली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 घंटा योग करिए, योगासन करिए, नहीं, आप कम से कम 30 to 45 minutes भी अगर आपने योगा प्राणायाम के लिए निकाल रहे हैं, जिससे क्या रहेगा कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके इंटरनल जो जितने सिस्टम है वो अच्छे से कार्य करेंगे। जब आपके सिस्टम इंटरनली, आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, तो क्या होगा कि आप गलती से भी कुछ एक्स्ट्रा फूड खा लेते हैं, कुछ बेकार फूड खा लेते हैं, वो आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर पाएगी और आपको डिजीज नहीं हो पाएगी। आपने पूछा दिल की बीमारी, सर सबसे पहले जानना जरूरी है कि दिल की बीमारी होती क्यों है। जी बिल्कुल, क्योंकि दिल की बीमारी क्या है ना सर, आजकल जैसे मैंने बताया खान पान तो हो गया, जिससे लोगों के मोटापा बढ़ रहा है जी जी, लोग ऐसा खाते जा रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो बॉडी में फैट की तरह जम रहा है। आपने मोटापा बढ़ने की बात भी, तो मोटापा अगर हम देख रहे हैं तो 30 से 40 साल के बाद या 40 साल के बाद देखते हैं कि हम इसकी प्रॉब्लम देखें, बट हमें आज देखने को मिल रहा है यूथ में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है सर। इस तरह से कैसे? यस सर, आपने सही पूछा। देखिए बताता हूँ मैं आपको कि क्या होता है कि यूथ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि यूथ आज की डेट में थोड़ा सा आलसी होता जा रहा है। अच्छा, वो मैंने आपको बताया ना कि हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो काम हो जाए जी, हम सिस्टमेटिक हो रहे हैं, रोबोटिक हो रहे हैं, अपनी बॉडी को भी नहीं चलाना चाहते हैं, बैठे बैठे हर सारे काम में टेबल पे चाहिए, तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपने शरीर को, अपने माइंड को, ब्रेन को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं। अब आपके पास टाइम ही नहीं है। अभी देखिए जैसे कि लॉकडाउन रिसेंटली रहा, गवर्नमेंट ने कहा कि आप नेचुरल फूड खाइए, घर का फूड खाइए, बाहर का एक्स्ट्रा मत लीजिए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि काफ़ी लोग थे कि घर में ही पड़े रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे, उनका मोटापा बढ़ा, उनको भी परेशानी हुई, लेकिन शुरुआत में उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि कम से कम घर का खाना खाएं, वो आदत जो जा चुकी थी उससे कुछ बीमारियों का भी सॉल्यूशन निकला, लोग बीमार भी कम पड़े, लेकिन वही है कि मोटापे की दर बढ़ती गई, इसीलिए तो बढ़ी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बॉडी एक्सरसाइज करे, योगा करे, आसन करे। सर हम राहुल सर आपसे हम कंटिन्यू इस पर बात करेंगे और आपके साथ एक सब्जेक्टिव इंटरव्यू करेंगे और इस पर हम एक सीरीज चलाएंगे, और मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई जुड़ना चाहे, राहुल योग टीचर के साथ जुड़ना चाहे, तो किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं वो जरिया। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे लाइव मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर जो मैं नंबर प्रोवाइड करूँगा आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एक संदेश देना चाहूँगा मैं सभी यूथ को जी, बिल्कुल, जो कमिंग टाइम में या तो अपना करियर इसमें देखना चाहते हैं योगा के फील्ड में, या इससे जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उनको ये बताना चाहूँगा कि देखिए जरूरी है कि आपकी डेडिकेशन कितनी है उस फील्ड को लेके। अगर आप चाहते हैं कि हमने इसी फील्ड में कार्य करना है, तो सबसे पहले अपनी क्वालिटी इंप्रूव करिए। क्या होता है सर कि आजकल जो यूथ है जो आ रहा है, वो छोटे छोटे कुछ सर्टिफिकेट करके ही योगा टीचर, योगा शिक्षक बन जाते हैं, योगा ट्रेनर बन जाते हैं, बट अगर उनके अंदर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी कम है, तो क्या किसी पेशेंट को, क्या किसी गाइड कैसे करेगा, कैसे कर पाएंगे वो आसन किस तरह से बताएं? यस, क्योंकि उनको प्रॉपर पहले अपने आप को नॉलेज, अपनी नॉलेज बढ़ाए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, जाहिर सी बात है एक ना एक दिन आपको क्या बोलते हैं, आपको माहिरता, आपको सक्सेस मिलेगी, सच में।
और बस अपने आप पे भरोसा रखें, अपने कर्मों पे बिलीव रखें, आप जो भी करें एक सकारात्मक सोच के साथ करें। धन्यवाद। और ये थे हमारे बीच राहुल, जो एक योग शिक्षक है, स्कूल में योग सिखाते हैं। इनके टिप्स पे अमल करें, और एक यंग योग टीचर है, तो आप देख सकते हैं। अगर आप भी योग से जुड़ना चाहते हैं, अगर सर से जुड़ना चाहते हैं, तो इनके नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस ये लगातार हम आपको हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर अवेयर कर रहे हैं इस फिट इंडिया मूवमेंट में। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है योग से रिलेटेड या आयुर्वेदा से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और ताकि हम उस क्वेश्चन को अपने आने वाले एक्सपर्ट से पूछ सकें। मैं सहनवाज अली, धन्यवाद।